कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 9 आई है, ये आपकी सोशल साइंस की वर्कशीट है। तो इसे आप सिविक्स की कॉपी में करेंगे। पहले से अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास सब्जेक्ट अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज का जो हमारा सब टॉपिक है वो है व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पार्लियामेंट क्या है, कैसे काम करती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको अच्छे से डिस्कस भी की गई हैं, आप इन्हें पढ़ेंगे। क्योंकि ये वीडियो हम लोग सिर्फ आंसर्स के लिए बनाते हैं, बेटा मेरे पास टाइम की बहुत कमी हो जाती है, लेकिन बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि मैम आंसर समझा दिया करें, तो इसलिए मैं आपको खाली आंसर की बनाती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ लिखा है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के पार्ट क्या होते हैं, देखिए सबसे पहला प्रेसिडेंट होते हैं, फिर आपका राज्यसभा और लोकसभा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि रिसेंटली हमारे प्रेसिडेंट कौन है। देखिए, अब आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा है, व्हाट डू यू नो अबाउट पार्लियामेंट। आप लोग पार्लियामेंट के बारे में क्या जानते हैं, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप यहाँ से लिखेंगे कि जो हमारी पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट हेल्प द सिटीजन ऑफ द कंट्री टू टेक द पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द कंट्री एंड टू चेक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। ऑन दिस बेसिस द पार्लियामेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो पार्लियामेंट है वो आम सिटीजन की, आम जनता की, आम पब्लिक की, जैसे हम लोग हैं नॉर्मल लोग, जो पॉलिटिकल लीडर नहीं है किसी तरह से, कोई पॉलिटिकल हमारा वो नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, है ना। तो अब हम आम जनता है, हम अपनी कैसे करें, क्या सब कुछ हम जो लीडर्स हैं उनके हाथ में छोड़ दें, नहीं। तो हमारे ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं अपने देश के लिए, तो उन सब चीज़ों को हम कैसे निभाएं और वो ज़िम्मेदारियां हम तक कैसे पहुंचेंगी, वो सारे काम जो है वो कौन करता है, पार्लियामेंट करता है। यानी अगर हमारे देश के लिए कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो क्या वो सिर्फ नेता लोग ले लेंगे, क्या सिर्फ वो बड़े बड़े लीडर्स ले लेंगे, नहीं, उसके लिए हमें भी इन्वॉल्व होना होता है ना। तो ये काम किसके थ्रू होता है, ये आपके पार्लियामेंट के थ्रू होता है। इसके अलावा जो आपके लीडर्स है, गवर्नमेंट है, कहीं वो कुछ ऐसे काम तो नहीं कर रही है जो आपकी जो आपका संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके खिलाफ तो नहीं हो रहा कोई काम। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसके चेक करती है और उसके खिलाफ एक्शन भी ले सकती है, ठीक है। तो ये सब कौन करता है, ये सब आपके पार्लियामेंट के थ्रू होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा पार्लियामेंट है वो इंडियन डेमोक्रेसी का एक सिंबल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन लिखा है, हाउ कैन द पब्लिक पार्टिसिपेट इन द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि पब्लिक किस तरह से गवर्नमेंट डिसीजन में पार्टिसिपेट कर सकती है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप आंसर यहाँ से लिखेंगे, पीपल कैन पार्टिसिपेट इन द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, नाउ दे आर एबल टू रीच देयर वर्ड्स टू द गवर्नमेंट थ्रू द इलेक्शन एज वेल एज द गवर्नमेंट इज नो सेंसिटिव टू दियर नीड्स एंड डिमांड्स। अब बोलते हैं कि हम लोग जो आम जनता है, आम पब्लिक है, वो पार्टिसिपेट कर सकती है गवर्नमेंट के डिसीजन में, कैसे, बाय थ्रू अ वोट। हम इलेक्शन के ज़रिए वोट देकर अपनी जो डेमोक्रेसी है उसको बचा सकते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट आनी चाहिए, कौन सी नहीं आनी चाहिए, ये हमारे वोट पर निर्भर करता है ना। और इसके अलावा जिस गवर्नमेंट को हम बनाते हैं, जो हमारे द्वारा चुनी जाती है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, फिर वो हमारी ज़रूरतों का भी ख्याल रखते हैं कि भाई हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। खैर, इसकी हकीकत क्या है ये तो आप सब जानते हैं, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जिस चीज़ की इमेजिनेशन की गई थी वो यही थी। अब क्या हो रहा है ये आप सब अच्छे से जानते हैं, चलिए आगे पढ़ते हैं। Now your next question is question number 3, can public criticize government's decision? क्या पब्लिक जो है वो क्रिटिसाइज़ कर सकती है, यानी तनकीद कर सकती है, क्या आलोचना कर सकती है गवर्नमेंट के लिए हुए डिसीजन की। यानी गवर्नमेंट ने अगर कोई डिसीजन ले लिया कि ठीक है भाई रात में 9 बजे के बाद पानी नहीं आएगा, अब गवर्नमेंट ने डिसीजन ये ले लिया, तो क्या गवर्नमेंट का डिसीजन फाइनल होता है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम कहेंगे भाई रात में 9 बजे के बाद हमें नहाना है, या रात में 9 बजे के बाद हमें कपड़े धोने हैं, या मैं ऑफिस से ही रात में 9 बजे आती हूँ तो मुझे किचन का काम करना है, तो भाई मुझे तो पानी की ज़रूरत है, तो आप 9 बजे के बाद तो पानी नहीं काट सकते। तो क्या मैं अपनी आवाज़ उठा सकती हूँ, क्या मैं गवर्नमेंट के बनाए हुए डिसीजन को मतलब चैलेंज कर सकती हूँ, एक्सप्लेन, बताइए कैसे कर सकते हैं हम, तो चलिए आंसर देखते हैं। तो आप लिखेंगे, यस पब्लिक कैन क्रिटिसाइज गवर्नमेंट डिसीजन थ्रू पार्लियामेंट। हम उसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, हम उसके ऊपर तनकीद आलोचना कर सकते हैं, लेकिन कैसे, इलीगल तरीके से नहीं, बिल्कुल कानून के दायरे में, थ्रू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के ज़रिए, है ना। तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ योर लास्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 4,
हाउ इज़ द पार्लियामेंट कंसिडर द वॉइस ऑफ द जनरल पब्लिक, यानी कि हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो पार्लियामेंट है वो एक आम पब्लिक की आवाज़ है, यानी एक आम पब्लिक जो चाह रही है वो पार्लियामेंट के थ्रू पॉसिबल होता है, ये आपको कैसे पता चलेगा? क्या ऐसा कुछ आपके पास ऐसा सबूत है जिससे ये बात प्रूफ हो जाए कि हाँ भाई पार्लियामेंट जो है वो एक आम पब्लिक की आवाज़ है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप यहाँ से लिखेंगे कि पार्लियामेंट हेल्प द सिटीजन ऑफ द कंट्री टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द कंट्री एंड चेक द अनकॉन्स्टिट्यूशनली एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑन दिस बेसिस पार्लियामेंट इज द वॉइस ऑफ द कॉमन पीपल। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे फिलहाल आपको सिर्फ दो एग्जांपल दिए हैं और उस बेसिस पे ही हमने ये बात को फिनिश कर दिया है, लेकिन अगर आप चाहें तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप उनको ले सकते हैं और उस बेसिस पे भी कह सकते हैं कि भाई ये आम जनता की आवाज़ है। जैसे अभी हमने बताया कि अगर हम क्रिटिसाइज़ करें तो हम कैसे कर सकते हैं, किस थ्रू कर सकते हैं, तो पार्लियामेंट के थ्रू कर सकते हैं, है ना? तो इस तरह से आप इसे कर लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी वर्कशीट को हम ये खत्म करते हैं आज की वीडियो में, बस इतने। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।